निखिल शर्मा, मैं जी निखिल, उड़ीसा से रहने वाला हूँ उड़ीसा से। ओके जी सर। एंड ये डिजीज़ मेरे को अराउंड 2013 से स्टार्ट हुआ था, बट मेरे को पता नहीं चला ये। एंड 2015 में मेरा एक डॉक्टर से कन्वेंस हुआ था इन विशाखापट्टनम, तो फर्स्ट सर्जरी 2015 में हुआ था। तो क्या बोला आफ्टर था उन्होंने, क्या हो गया, उन्होंने कैसे? उन्होंने 2015 में मतलब क्या स्टार्टेड विद, उससे पहले से था कि हाँ, उससे 2015 पहले में फर्स्ट टाइम पता चला? 2013 को हुआ था, छोटा सा फुंसी हुआ था। अच्छा, एंड वो छोटा सा फुंसी बढ़ गया था, तो 2015 में स्वेलिंग ज़्यादा हुआ, पस निकलना शुरू हो गया। नेटल क्लेफ्ट के अंदर। यस सर। और दोनों बटक के अंदर बीच में वो फुंसी हुआ था और मेरे को पता ही नहीं चला, जो कि बड़ा हो गया था। तो डॉक्टर के पास विशाखापट्टनम गया था मैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये सर्जरी लगेगा, छोटा सा है, जो कि कुछ मतलब 7 डेज़ का रहेगा पहले ऑपरेशन। तो उन्होंने बेड रेस्ट 7 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रखा मेरे को ऑपरेशन के बाद, उसका डिस्चार्ज कर दिया। और उसके बाद हम बेड रेस्ट में भी बोला था उसने, कितनी देर बेड रेस्ट रहा उसके बाद? फर्स्ट ऑपरेशन तो अराउंड 20 डेज़, और उसके बाद खड़ा होने हड्डियाँ भी से। होती थी? हाँ सर, रोज करवाने जाते थे रोज कि वहीं आते थे? सर मैं पर्सनली एक मतलब स्टाफ रखा था मैंने, और डेली आते थे स्टाफ और ड्रेसिंग करते थे मेरा। और लाइक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक मतलब दिन का 2 लेना पड़ता था आईवी में डेली। आईवी। यस सर। और पेन किलर भी लेना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट फिर हाँ महीना के करीब बेड में ही रह गए आप। हाँ सर। उसके बाद 2015 का सीजन ख़त्म हुआ, 2016 में ठीक था। 2016 एंड हाफ मतलब 2016 के 6 मंथ, उसके बाद अगेन ये चीज़ रिकरिंग हुआ। 2017 में मैं जाके पूरा मतलब उसका पर्स निकालना शुरू हो गया। तो फिर लास्ट 2017 में मैंने बात किया अगेन विशाखापट्टनम वही डॉक्टर से, तो उसने बोले कि वो अगेन सर्जरी करेंगे। तो मेरे को थोड़ा तो डर लगा। तो सर फिर मैंने और एक अंकल से बात करके, तो उन्होंने विशाखापट्टनम में बड़े डॉक्टर से और बात की, तो वो एक सर्जन थे, तो उनसे भी बात की। और फिर से 2018 में मैंने 18 फरवरी को मैंने ऑपरेशन किया था, जो कि फ्लैप ऑपरेशन था। इट्स अ मेजर ऑपरेशन, इट्स बिटवीन 56 स्टिचेस इन माई बटक, एंड वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा था। काफी पूरी की पूरी स्किन हटा के गोल यस, फ्लैप बना दिया लाइक था। ए ट्रायंगल स्किन हटा के वहाँ पे 56 स्टिचेस लगे थे। एंड अराउंड 7 डेज के लिए वो भी बेड रेस्ट था हॉस्पिटल में। एंड आफ्टर दैट 3 मंथ के लिए मेरे को बेड में उल्टा ही लेटना पड़ता था, और बाथरूम के लिए मेरे को सिटिंग नहीं था मैं परमिशन, और स्टैंड बाय रहना पड़ता था, खाना भी स्टैंड बाय करना पड़ता था, कुछ भी लेटना सोना सब कुछ मेरे को उल्टा ही सोना पड़ता था। और उसके बाद वही चीज़ अगेन रिकरिंग हुआ आफ्टर 3 to 4 मंथ के बाद। उसके बाद पूरा ही डर गया, तो मैं फिर लाइक दैट रात को सो नहीं पाता था मैं, तो वही गूगल में सर्च करता था मैं। और गूगल में सर्च करते ही लाइक ट्रीटमेंट के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, तो सर दिल्ली आशीष बनोट सर का एड्रेस मिला मेरे को। तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, एंड ऑपरेशन इज वेरी सिंपल एंड नो पेनफुल, इट्स बिलोंग 24 आवर ट्वेंटी मतलब फोर आवर्स में आप बैठ पाए थे, बेड। चल फिर पाए थे, यस क्योंकि सर। डैमेज काफ़ी हो गया था। थोड़ा टोटल ठीक होने में यस ऑलमोस्ट सर। 4-5 months लग गए होंगे। यस सर। ठीक है, बट हाउ वाज द ट्रीटमेंट? उसके अंदर कोई बेड रेस्ट या पहले के ट्रीटमेंट से इस ट्रीटमेंट को कंपैरिजन अगर करना पड़ता? मतलब आज तक जितना भी मेरा सर्जरी हुआ है, जितना भी पेनफुल था, इसमें मतलब आज तक कभी पेन मतलब दिखाई नहीं मेरे को। और बेड रेस्ट मतलब तो आफ्टर 12 आवर भी रात को उठ के मैं आराम से बाथरूम जाके आ सकता हूँ, इतना मैं फ्रीली है। और मॉर्निंग तक तो पूरा लाइक दैट अभी मैं उठ रहा हूँ, यस्टरडे मेरा ऑपरेशन हुआ था, अभी मैं फ्रीली सिटिंग कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एंड रन नाउ आई डिस्चार्ज जॉइन किसी माई को इसके बिजनेस। बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बीमारी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हो, तो किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत हो, कोई आपसे बात करना चाहता हो, आर यू विल बी कम्फर्टेबल? यस सर। ये पाइलोनेडल क्योंकि इजी डिजीज़ नहीं है ये इस। एक छोटी सी छोटी चीज़ है, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अपन नज़रअंदाज मैंने किया था 2012 में, लाइक दैट आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो इसको कोई भी हल्के में मत लीजिएगा। और 2012 से लेके आज 7 साल हो गए आपको सात सफ़र साल हो गए सर, करते। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेजर भी हो सकती है और पहले से ही ट्रीटमेंट अच्छी रहती है अगर ये चीज़ करते हैं। और इसमें सर्जरी लाइक स्टिचेस एंड सीजर का ऑपरेशन करने में बहुत तकलीफ है। एंड सर जिसने ये ऑपरेशन किए हैं, वो ये ट्रीटमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगा।
नो पेन, ये बेसिकली एंडोस्कोप से हमने अंदर एंडोस्कोप जाके, से किया गया था। पर बात यह है कि जब ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट गलत है, बट बीमारी इतनी ख़राब है कि उसके अंदर हाई चांसेस ऑफ रिग्रेस भी हैं, और ख़ास करके जब इस तरह के फ्लैप बनाए जाते हैं या फिर सिर्फ कटिंग करके ऊपर से हील हो जाता है, नीचे से हील नहीं होने दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम आती ही है, फिर ये सफरिंग्स चलती रहती है। तो वी हैव टू फर्स्ट फिनिश द डिजीज़ फ्रॉम इनसाइड एंड देन कम आउट, जो हमने आपके केस में किया। ये एक बहुत बड़ी टास्क लग रही थी जब शुरू किया था हमने, क्योंकि पूरा फ्लैप डैमेज था, फ्लैप के अंदर पूरी कैविटीज़ बन रखी थी, जहाँ जहाँ से एक फिश एक साइनस के इतने साइनसेस बन रखे थे। बट लकीली विद गॉड्स ग्रेस 3-4 महीने के अंदर अंदर ही ये पूरा रिकवर कर गया, एंड बस अब एक MRI करा के हमको आपको क्लियरेंस देनी है, डेट सेट। ठीक है, और आपको किस आपसे कोई बात करना चाहता हो, आपका फ़ोन नंबर चाहिए हो तो आर यू कम्फर्टेबल? फोन नंबर तो नहीं, बट आई वांट टू शेयर माय आईडी, दैट TIRUPATISEED78@gmail.com। ठीक, कोई मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मेल या चैट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, माय सेल्फ निखिल शर्मा, फेसबुक आईडी आल्सो, यू कैन सर्च। ठीक है।